अभी से बातें करके लगा है वेरी वेरी। हमारे आनंद कॉन्वेंट स्कूल के सारे बच्चों की बात है निराली। बेटा अच्छे काम करो, लाओ अपने जीवन में खुशहाली। एक बार दोबारा बजाओ अपने लिए जोरदार ताली। बच्चों जब मैं आपकी तरह छोटा था और जब मैं खुद पांचवी क्लास में पढ़ता था तो हमारे मैथ्स के ऑन लेवल टीचर हमको एवरी सैटरडे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन समझाया कि सौरभ जो ये मैथमेटिक्स है ये याद करने वाला सब्जेक्ट है, ये तो प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, ये तो करके देखने वाला सब्जेक्ट है। तो सर ने हमें गुरु मंत्र दिया, सारे बच्चे मिलकर बोलो कैलकुलेशन करते रहो। अरे बोलो कैलकुलेशन करते रहो, सम सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो। बच्चों ये बात सुन के मैं वापस आया और मैंने एवरी सैटरडे नॉर्मल कैलकुलेशन के सम के अलावा अपनी पांचवी क्लास के मैथमेटिक्स के सारे सम सॉल्व करने का प्रयास किया। लेकिन ये क्या सिली मिस्टेक्स होती थी और सिली मिस्टेक्स होती रही। अब मैं थोड़े हफ्तों के बाद अपने मैथ्स के सर के पास दोबारा गया। मैंने कहा सर मैथमेटिक्स पढ़ते हुए 6 साल से ज्यादा का समय हो गया, ये सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही है। नर्सरी क्लास से चौथी क्लास तक मैथमेटिक्स में मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन सिली मिस्टेक्स होने की वजह से 80 out of 100 आ रहा है। सिली मिस्टेक्स ना हो तो 100 out of 100 आएगा। तो सर ने मुझे उस दिन बहुत डांटा बेटा। आप हंस रहे हो, उस दिन मुझे सर ने बहुत डांटा कि सौरभ तुम बोलते ज्यादा हो और सुनते, आपने उस दिन पूरी बात तो सुनी नहीं। तब सर ने मुझे पूरी बात सुनाई समझाई, जिसको मैं कह रहा हूं 3 golden rule। कितने गोल्डन रूल बेटा? आप में से जो भी बच्चा वो मैरिटन रूल इंप्लीमेंट करेगा, नो मैटर आपकी 2nd क्लास है या आपकी 9th क्लास है, आपका मैथमेटिक्स में कभी भी सिली मिस्टेक रूल नंबर 1। अरे बोलो गोल्डन रूल नंबर 1, कैलकुलेशन करते रहो, सम सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो। बेटा जब आप मैथमेटिक्स में ये सब कुछ करोगे तो शुरुआती कुछ दिन या कुछ हफ्ते पता है क्या होगा, सारे बच्चे मिलके बोलो टाइम लगे तो लगने दो, गलती होए तो होने दो। सारे बच्चे बोलो गोल्डन रूल नंबर 2, मैथमेटिक्स में अपना राइटिंग सुधारो। बेटा आपका 0 लग रहा है 6 की तरह, 6 लग रहा है 0 की तरह, आपका 1 लगता है 7 की तरह, 7 लगता है 9 की तरह, कैसे बात बनेगी? दोबारा बोलो मैथ में अपना राइटिंग सुधारो, हमेशा पेपर के बड़े टुकड़े का यूज करो, नंबर के नीचे नंबर उतारो, लाइनों के बीच में ही नंबर्स को बनाओ, कभी भी पेपर पे घिचपिच मत करो। बेटा ये बातें छोटी है परिणाम बड़े हैं, और ये मैं कोई आपको अनोखी और नई बातें नहीं बता रहा, ये सारी बातें आपके मैथ्स के रेस्पेक्टेड टीचर्स आपको यदा कदा क्लास में समझाते बताते रहते हैं, लेकिन आप इंप्लीमेंट करोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये पॉइंट नंबर 2 कितना प्यारा लगा ना आपको, दोबारा सुनना चाहते हो दोबारा सुन लो। बोलो बेटा मैथ में अपना राइटिंग सुधारो, हमेशा पेपर के बड़े टुकड़े का यूज करो, कभी भी पेपर पे घिचपिच मत करो, नंबर के नीचे नंबर उतारो, लाइनों के बीच में ही नंबर्स को बनाओ। गोल्डन रूल नंबर 3 वेरी मच इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी रीचेक करो एंड 20 तक के टेबल याद करो। बेटा आप सबके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, आप सभी ACS फैमिली के पार्ट हैं, इसलिए आप सारे बच्चों को 20 तक के टेबल ऑलरेडी कच्चे कच्चे याद हैं। पक्के पक्के कैसे याद होंगे? आप क्या कर रहे हैं संडे के दिन एक ही दिन में टीचर के डर से या मोटिवेशन के नाम से एक ही दिन में सारे टेबल याद करने का प्रयास करते हो? अरे बेटा एक दिन में सारे टेबल लेके बैठोगे एक भी टेबल याद उल्टा जो टेबल याद है वो भी। हर चीज का एक सिस्टम है, जो उस दिन मुझे मेरे मैथ्स के टीचर ने पांचवी क्लास में बताया समझाया, आपको 3 दिन तक एक ही टेबल बोल बोल के लिखना है और 3 दिन तक उसी एक टेबल पे मल्टीप्लाई और डिवीजन के सम लगाने हैं।
तो बेटा जब आप किसी भी चीज का प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो वो चीज आपको पक्की हो जाती है। सारे बच्चे बोलना जरा 14। अरे बोलो 14। 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140। क्लैपिंग कर दो बेटा। सारे बच्चे बोलो 16। अरे छोला नहीं 16, गोला नहीं 16। 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160। क्लैपिंग कर दो एक बार। सारे बच्चे बोलो 18, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180। क्लैपिंग तो कर दो बेटा। सारे बच्चे बोलो 17। ना बेटा ना, खतरा नहीं 17, बतरा नहीं 17। 17, 34, 51, 68, 82, 119, 137, 173, 170। क्लैपिंग कर दो भाई। कुछ हमारे छोटे भैया बहन सोच रहे हैं सौरभ भैया ने 19 का महाटेबल छोड़ दिया। सारे बच्चे बोलो 19, 19, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171। बेटा मिनट बचे हैं, 5 बात रह गई आखिरी। खुशियों भरे गीत गाओ, जैसे खड़े हो वैसे ही अपनी जगह पे बैठ जाओ। बहुत देर से बेटा खड़े हो आप, जैसे खड़े हो बेटा अपनी जगह बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। बहुत देर से खड़े हो, बैठ जाओ बेटा साहब, जमीन बिल्कुल साफ है बेटा। ये भारत माँ की गोद है। इस पूरे संसार में 206 देश हैं बेटा। इस पूरे संसार में कितने देश हैं? 206। क्या किसी देश को माँ की उपाधि से नवाजा गया है? पाकिस्तान माता, ईरान माता, अमेरिका माता, बांग्लादेश माता, अफ्रीका माता, केन्या माता? नहीं। पूरे संसार में 206 देशों में एकमात्र हमारा देश है जिसको भारत माँ की उपाधि से नवाजा गया है। तो जब भी आपको भारत माँ की गोद में बैठने का सुअवसर मिले तो संकोच नहीं करना कि हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। बोलो भारत माता की। बच्चों अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ये 3 गोल्डन रूल जो भी बच्चा मैथमेटिक्स में इंप्लीमेंट करेगा उसका मैथमेटिक्स में सिली मिस्टेक्स हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए 3 बूस्टर लेकर आया हूं। 1 बूस्टर आज दूंगा और बाकी के 2 बूस्टर कल दूंगा। बेटा ये वो 3 बातें हैं जो आपके माता पिता, आपके गुरुजन और देश दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन सभी ने अपने जीवन में उतारी। बेटा यहां पे कुछ बच्चों की क्लास है 7, अगले 5 मिनट तक कोई बच्चा नहीं करेगा आपस में। बहुत दिनों से आ रही थी मुझे आप सारे बच्चों की बड़ी, फाइनली आज मैंने कर ली आप सभी से मुला। ऑन लेवल स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा करोगे बड़ों की तो मिलेगा आशीर। नहीं करनी आपस में अगले 5 मिनट तक जरा सी भी, ताली बजा दो एक बार। बेटा सुबह पेस्ट यूज करता हूं मैं दंत कांति, और अगले 5 मिनट तक बनाए रखनी है आपको पूरी पूरी। बहुत टैलेंटेड है हमारे स्कूल का एक एक बच्चा, और आज सच में हमें आप सभी से मिलके लगा बहुत ही बंद है आपके कमरे के सारे फैन, आ गई आपके स्कूल की वैन। बेटा मत हो जाओ बेचैन, प्रभु ने दिया मैं 2-2 नैन, मेरे पास है इतना बड्डा पेन, आप सबके पास है सोने की चैन। 2 बजे आएगी आपके स्कूल की वैन, परसों रामपुर में हो सकती है रैन, और हमारा नाम है गणित कवि सौरभ। बेटा 3 बातें जो बच्चा जीवन में धारण करेगा वो बच्चा बन जाएगा महान। उस बच्चे के जीवन में लग जाएंगे 4 चांद। वो बच्चा लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर पाएगा। वो बच्चा ज्यादा नॉलेज गेन करके ज्यादा मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में ले पाएगा हर क्लास में। सारे बच्चे मिलकर बोल दो हमेशा धन्यवाद दो। अरे बोलो हमेशा धन्यवाद दो। कभी शिकायतें मत करो, एक्टिव हो जाओ, डेली नहाओ। बेटा आज से दूसरों की शिकायतें करना बंद, आज से दूसरों की शिकायतें करना। सारे बच्चे बोलो आज से दूसरों की शिकायतें करना, आज से दूसरों की कंप्लेन करना, आज से दूसरों को परेशान करना, आज से दूसरों को तंग करना, आज से दूसरों में डिसक्वालिटीज देखना, आज से अपने जीवन में आलसी बनना, इतना सारा बंद। तो नए जीवन की नई शुरुआत के लिए क्या हम नया करें ताकि हमारी लाइफ में ग्रोथ आने लगे, ताकि हम सभी के दिल में जगह बना लें, ताकि हम लाइफ में जो चाहें वो अचीव करने लग जाएं। तो बेटा आज से दूसरों की तारीफ करना शुरू, आज से दूसरों की तारीफ करना।
सारे बच्चे बोलो, आज से दूसरों की तारीफ करना, आज से दूसरों को धन्यवाद देना, आज से दूसरों को थैंक यू सो मच बोलना, आज से दूसरों में क्वालिटी देखना, आज से दूसरों में गुण तलाशना, आज से अपनी लाइफ में ज्यादा एक्टिव होना बेटा, आज से बड़ों की आज्ञा का पालन करना, आज से दूसरों की सपोर्ट करना, आज से दूसरों की हेल्प करना, आज से प्रतिदिन स्नान ध्यान करना। हमारे बहुत सारे छोटे भैया बहन यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने जीवन में छोटी छोटी बातों में अटके हुए हैं। अरे बेटा, अपने जीवन में छोटी छोटी बातों में अटक के अपना टाइम एनर्जी लॉस्ट करोगे तो लिखोगे कब, पढ़ोगे कब, खेलोगे कब? सारा टाइम सारा एनर्जी आपने मीनिंगलेस बातों में वेस्ट कर दिया। लिखोगे कब, पढ़ोगे कब, खेलोगे कब? फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने सब्जी में नमक कम डाला, कोई बात नहीं। मम्मी ने सब्जी में नमक कम डाला, सारे बच्चे बोलो, मम्मी ने सब्जी में नमक कम डाला। पापा जी रात में गलती से किताब लाना भूल गए। बड़े भाई ने बाजार से ब्रेड लाने से मना कर दिया। छोटी बहन ने गलती से मेरे कमरे में पानी फैला दिया। जरूरत पड़ने पर अम्मा बाबा ने बिना मुझसे पूछे मेरी कॉपी के 4 पन्ने निकाल लिए। घर में 2 की जगह 5 मेहमान आ गए। ताऊ जी ने आज मुझसे 2 की जगह 12 काम करवा लिए। शाम को चाचा जी से 20 रुपए मांगे, चाचा जी ने 20 रुपए तो दिए नहीं, उल्टा मुझे डांट के भगा दिया। सुबह को नाश्ता थोड़ा सा कम मिला, सारे बच्चे बोलो, सुबह को नाश्ता थोड़ा सा कम मिला। दोपहर के लंच में मेरे मनपसंद की सब्जी नहीं मिली। शाम को मेरा पड़ोसी दोस्त मेरे संग खेलने नहीं आया। रात का भोजन 7 बजे की जगह 8:15 बजे मिला। मेरी क्लास में मेरे टीचर ने मेरी गलती पर मुझको सही राह दिखाने के लिए मुझको थोड़ी ज्यादा पनिशमेंट दे दी। बेटा आप मेरी फीलिंग समझो, मैं आपसे बार बार क्या कहना चाह रहा हूं। उस परमपिता परमात्मा ने, उस वाहे गुरु जी ने आप सभी को जो भी दिया है हमारी हैसियत से ज्यादा दिया है। तो बेटा हमें अपना ध्यान, हमें अपनी फोकस, हमें अपनी एनर्जी कंप्लेंट करने में वेस्ट, हमें अपना फोकस, हमें अपनी एनर्जी धन्यवाद देने में, बिलीव करने में, एक्शन लेने में लगानी है। एंड ऑलवेज बी एक्टिव। बेटा आपके मम्मी पापा, आपके गुरुजन, आपके टीचर्स और ये देश दुनिया में जो भी सफल लोग हैं, ये लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक ही काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम और 6 घंटे आराम। लेकिन अभी आप सब बच्चे हो, मन के बहुत बहुत, इसलिए अभी आप सबके लिए कुछ वर्षों के लिए 2 घंटे की छूट है। सभी का प्यार पाना है, सभी के दिल में जगह बनाना है, अपने जीवन के सभी सपनों को साकार करना है, ज्यादा नॉलेज गेन करके ज्यादा मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में लेकर आने हैं। एक ही फॉर्मूला, सारे बच्चे मिलकर बोलो, 16 घंटे काम, अरे बोलो 16 घंटे काम, 8 घंटे आराम। लेकिन अफसोस हमारे ही स्कूल के कुछ छोटे भैया बहन शायद इसका उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 8 घंटे काम और 16 घंटे दिन में भी सो रहे हो, दोपहर को भी सो रहे हो, रात को तो सो भी रहे हो, रात को तो सो ही रहे हो, और जितना टाइम जाग रहे हो ये फोन में टीवी में वेस्ट कर रहे हो। बेटा ये फोन और ये टीवी ये कहीं जाने वाले नहीं है, आपको ये फोन और ये टीवी यही मिलेगा धरती पे, 10 साल के बाद भी नया मिलेगा, सस्ता मिलेगा, लेटेस्ट मिलेगा। लेकिन एक बार आपका ये कीमती विद्यार्थी जीवन हाथ से चला गया तो ये फिर से वापस आने वाला ऑलवेज बी एक्टिव। चंदन देखा है बेटा आपने, अगर चंदन घिसेगा तो प्रभु के मस्तक पे लगेगा, लेकिन जो चंदन घिसेगा नहीं ऐसा चंदन केवल जलाने के काम में आएगा। क्या आप चिड़चिड़े हो गए हैं, क्या आपके रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या आपको ज्यादा पनिशमेंट मिलना शुरू हो गया है, क्या आप अपने टीचर और अपने पेरेंट्स के कम फेवरेट हो गए हैं? इसका मतलब आप जाने अनजाने में आलसी बन गए हैं। और बेटा आलसी बच्चा हो या आलसी बड़ा हो, आलसी लोगों को कोई भी प्यार, आलस ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। एंड डू डेली बाथ। बेटा गर्मी जा चुकी है और सर्दी अब ना चलेगा तुम्हारा कोई बहाना। बहुत प्यार करते हैं हमसे हमारे नाना। बेटा अच्छे काम करने में कभी न शर्माना, गलत काम से घबराना, ऐसे ही मुस्कुराना। रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह जैसे ही जल्दी उठो धरती माँ के शीश नवाना, स्कूल टाइम पे आना, और कैसा भी हो मौसम, कैसी भी हो तबीयत, डेली 2 बाल्टी गुनगुने पानी से कंपल्सरी नहाना। आपने किया वादा, अपने लिए जोरदार ताली बजाना।
हमारे तन और मन को 10 बेनिफिट मिलते हैं अगर हम डेली नहाते हैं तो। ये मैं नहीं कह रहा, ये आयुर्वेद कह रहा है। और स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। बताओ बेटा लक्ष्मी कहां पे आती है? लक्ष्मी वहीं पे आती है जहां पे साफ सफाई होती है। और ये बात हमारे आनंद कॉन्वेंट स्कूल रामपुर के सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह गर्मी के मौसम में डेली नहाने से गर्मी कम लगती है, ऐसे ही सर्दी के मौसम में डेली नहाने से सर्दी भी। बट आई एग्री, सर्दी का मौसम गुनगुना पानी शुरुआती 2 मग्गे आपको हर हर गंगे बुलवाई देते हैं, बट स्टिल 2 मिनट की तकलीफ और 24 घंटे का सुकून। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ये जितनी बातें बताई हैं क्लास में जाते ही कॉपी में लिख लेना और घर जाके इन सारी बातों की चर्चा परिचर्चा करना। कैलकुलेशन करते रहो, सम सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो। टाइम लगे तो लगने दो, गलती होए तो मैथ में अपना राइटिंग सुधारो, नंबर के नीचे नंबर उतारो, लाइनों के बीच में ही नंबर्स को बनाओ। हमेशा पेपर के बड़े टुकड़े का यूज करो, कंपलसरी रीचेक करो, एंड 3-3 दिन के स्लॉट में 20 तक के टेबल याद करो। सारे बच्चे मिलकर बोलेंगे हमेशा धन्यवाद दो, अरे बोलो हमेशा धन्यवाद दो, कभी शिकायतें मत करो, एक्टिव हो जाओ, 16 घंटे काम, 8 घंटे आराम, डेली नहाओ। यहाँ पे मंच में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, बेटा आप सभी को अपना अपना हैप्पी बर्थडे बताना है। मैं उसका डे बताऊंगा पलक झपकते ही बिना कैलेंडर देखे, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सारे बच्चे आ जाओ बेटा, अगर हमारे दिए गए 2024 के कैलेंडर पे हमारे मैजिकल साइन है तो आपको मिलेगा महागिफ्ट। आपको क्या मिलेगा? एक एक करके आ जाओ मेरे पास जल्दी जल्दी। बेटा मेरे हाथ में कैलेंडर है 2024, क्लास में बच्चे नहीं मचाएंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, घर में गेस्ट आए तो भाग के खोलो घर का डोर। मैथमेटिक्स से आज के बाद कोई बच्चा नहीं होएगा बोर। मेरी बड़ी बहन का नाम है बबीता और आप सबको बनाना आ गया हिंदी में छोटी छोटी। आपसे शुरू करते हैं, चेक करना मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। बोल दो बेटा कब है आपका? 11 सितंबर वेनसडे। जल्दी बोल दो। 25 अप्रैल थर्सडे। 11 फरवरी संडे। 15 अप्रैल फ्राइडे। 15 अप्रैल मंडे। बेटा आगे आओ। 23 दिसंबर मंडे। 11 सितंबर वेनसडे। 16 अप्रैल ट्यूसडे। 19 जनवरी फ्राइडे। 9 नवंबर सैटरडे। किसका आंसर गलत है? सारे ठीक है जी, क्लैपिंग कर दो भी। मालूम जी आपको तो 10 दिसंबर ट्यूसडे। 27 जनवरी सैटरडे। बेटा किन किन बच्चों के कैलेंडर पे हमारे मैजिकल सिग्नेचर हैं? बच्चों ये तो कमाल हो गया, कहीं पे भी लकी ड्रॉ कूपन निकलता है, 1000 में से 2-5 का निकलता है। लेकिन यहाँ पे आनंद कॉन्वेंट स्कूल रामपुर के बच्चे इतने लकी हैं, जितने बच्चे हैं सबका लकी ड्रॉ कूपन निकला है। तो सबको क्या मिलेगा? महागिफ्ट। सबको क्या मिलेगा? बेटा आगे आओ और अपना गिफ्ट लेते जाओ। बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ। तो प्रभु को मैं करता हूं डेली याद और आप सभी ने लगभग 20 मिनट हमें बहुत ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मुझे बहुत दिनों से आ रही थी आप सारे बच्चों की बड़ी याद। पुणे पुणे स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह दोबारा करूंगा आपसे 10 मिनट के लिए मुलाकात। प्रभु ने दिया मैं दो हाथ, सेवा करोगे बड़ों की तो मिलेगा आशीर्वाद। कई साल बाद आपकी क्लास होगी 10। बेटा अच्छे काम में रज, बुरे काम से बच, बोलो हमेशा सच, खीर में डालो खस खस, अब मैं चाय के साथ खाऊंगा रस। अगर आपको जीवन में ज्यादा खुश रहना है तो छोटी छोटी बातों पे दिल खोल के हंस। और आप सभी का, विद्यालय परिवार का, ऑनरेबल स्कूल मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल मैम का, सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का, सपोर्टिंग स्टाफ का,
हमारे विद्यालय के सारे छोटे भैया बहनों का, आज के सुंदर से भी सुंदरतम दिन का, भूमि जल अग्नि गगन वायु का, इस विद्यालय भवन की एक एक ईंट का, पुने 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 बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से थैंक यू सो क्लास में जी छुट्टी दोगे ना? क्लास में भी आएंगे मैम, जो कैलेंडर है ना सबको बांटेंगे क्लास में। बाकी कहने वाला हूँ,